नमस्कार दोस्तों, कोटोडा टाइम्स डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने कक्षा 10वीं और 12वीं के कई बच्चों के बारे में सुना और जाना, अभी हमारे साथ एक और कक्षा 10वीं के स्टूडेंट है जिन्होंने कोटोडा में फर्स्ट डिवीजन से वो अपना अव्वल नंबर लाए हुए हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं, नाम जानते हैं और उनके बारे में जानते हैं। नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम है आपका? सिमरन प्रजापत। सिमरन, तो सिमरन आपने अभी 10वीं में टॉप किया है कोटड़ा तहसील के स्कूल जो है, आपकी स्कूल का नाम? डॉक्टर विजय आप्टे माध्यमिक विद्या मंदिर कोटड़ा। ओके, तो आपके कितने परसेंटेज बने? 82%। ओके, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, और जब आपने रिजल्ट देखा तब क्या महसूस कर रहे थे? थोड़ा गिल्टी फील हुआ था, समझ में नहीं आया कुछ मुझे, मतलब जितनी आशा थी उतने नहीं बने। अच्छा, 82 से भी ज्यादा आशा थी? हाँ, ज्यादा बनाने थे। कितना सोचा था? 85 से ऊपर सोचा था। फिर फैमिली प्रॉब्लम के कारण टाइम नहीं मिल पाया। अच्छा, सपोर्ट किसका मिला जो 82 बना लिए? सबसे ज्यादा तो पापा का, मम्मी का, उसके बाद टीचर्स का। एक हमारा ट्यूचर है, मतलब ट्यूशन सेंटर है, विनायक ट्यूशन सेंटर, वहाँ से हमने मतलब कोचिंग की थी, तो उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया हमको। लेकिन जैसा आपने बोला कि फैमिली प्रॉब्लम की वजह से आपके 82 बने, आप उससे ज्यादा चाहते थे, और वहीं पर दूसरी और ये बोल रहे हैं कि उन्हीं के सपोर्ट से आपने इतने बनाए। एक्चुअली नाना जी शांत हो गए थे, ऑफ हो गए थे, इस कारण मतलब कि मम्मी पापा सब गांव थे, तो यहाँ मैं अकेली रहती थी और कभी घर का काम भी नहीं किया मैंने, तो पहली बार करना पड़ा तो थोड़ा लोड बढ़ गया था मेरे सिर पे। अच्छा, और आपकी जो बाकी सहेलियां हैं उनके नंबर कम बने तो आपको वो लोग क्या कहते हैं? वो तो यही कहते हैं अच्छे ही बने। अच्छे ही बने ऐसा बोल रहे हैं। भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? मैं मेडिकल लाइन में जाना चाहती हूँ। अच्छा, क्यों? बचपन से सपना था कि भाई डॉक्टर बनने, डॉक्टर बनना है, पर फिर सोचा कि और भी बहुत सारे स्कोप होते हैं तो उनमें भी अप्लाई करेंगे। कोई घटना जो आप ने सपना देखने देखा है उसके बारे में? मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, सो मम्मी के जाने के चांसेस थे, थोड़ा गिल्टी फील हुआ था उस समय के कोई फैमिली में अगर रहता तो उनका ज्यादा ध्यान रख पाता, ज्यादा केयर करता उनकी, सो इसलिए। अच्छा, कोटड़ा के अंतर्गत जो बाकी लोग भी रहते हैं, बाकी लड़कियां भी पढ़ती हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? पढ़ते ही ये तो ठीक है, लेकिन कोटड़ा में जब आप किसी रास्ते से गुजरते होंगे या फिर किस तरह की कोई घटना सुनते होंगे, मुझे नहीं पता आपने कौन सी घटना सुनी, क्या देखा रास्ते पे, लेकिन फिर भी कुछ तो कभी कभी अपने सहेलियों के साथ बातचीत के दौरान उन बातों को आपने लाया होगा, स्कूल में कभी स्पीच के दौरान आपने उन बातों को रखा होगा सामने कि मैं ऐसा देखती हूँ, मैं ऐसा सोचती हूँ, लेकिन यहाँ पर ये है वो है, तो मुझे नहीं पता क्या आप सोचते हैं, आप मैं वो जानना चाह रहा हूँ। ऐसा है कि यहाँ का थोड़ा माहौल सही नहीं है, रास्ते में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स रहती है, यहाँ के जो सड़कें हैं वो बहुत ज्यादा खराब है, उनको स्कूल जाने में इतनी प्रॉब्लम होती है, पूरा कीचड़ का कीचड़ रहता है, कपड़े भी कभी कभी खराब हो जाते हैं कीचड़ की वजह से, प्रॉब्लम होती है बारिश के टाइम में, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बच्चे तो ज्यादातर स्कूल आते ही नहीं है बारिश के सीजन में, और हमारी इसी वजह से हमारी जुलाई से पढ़ाई स्टार्ट होती है, जुलाई एंड से होती है, तो कोर्स भी पूरा नहीं हो पाता है हमारा उस वजह से। जी, तो जैसा कि आपने सीधा शायद मैं मेरा सवाल यह है कि आप कोटड़ा के अंतर्गत जो अलग अलग पंचायतों में लड़कियां यहाँ की पढ़ती है, कुछ नहीं पढ़ती है, कुछ शादी कर लेती है फिर करवा दी जाती है, या फिर कुछ और भी बातें सुनने को मिलती है कि वो किसी और के साथ चले गए, तो इन बारे में क्या सोचते हैं? उनको सही गाइडेंस नहीं मिलती, इस वजह से वो थोड़ा बैक जाते हैं। तो क्या लगता है ये कोटड़ा की लड़कियों के लिए सही नहीं है, ये तो साफ साफ नजर आ रहा है, समाधान क्या हो सकता है? उनको मतलब इतनी उम्मीद ही नहीं दी जाती है कि वो आगे कुछ करे या फिर कुछ बन सके, उनका बस यही रहता है कि वो शादी कर लो, फिर बस उतना ही आपका जीवन है, उतनी आपकी लाइफ है, उससे ज्यादा उनको कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलता, तो वो पढ़े भी क्यों, ऐसा सोच है, ऐसी थिंकिंग रहती है यहाँ की लड़कियों। जी, तो जैसा कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो अब डॉक्टर बन के वो थिंकिंग कैसे उनमें लाएंगे वो तो मुझे नहीं पता, कोई आइडिया देना चाहेंगे कि और जो मतलब कि और लोग जो है वो कैसे कर सकते हैं? मैं अपने फ्रेंड्स
पेरेंट्स को तो हमेशा मतलब गाइडेंस देते पढ़ो अच्छा मतलब कि आगे करियर बनाओ वो तो मैं बोलती हूँ उनको जितना मतलब मुझसे होता है उतना मैं थोड़ा थोड़ा बोलने की कोशिश करती हूँ जी। और बाकी जो लड़की आपको सुन रही है आप जैसे पढ़ती हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहती है? बस ये कहना चाहती हूँ अच्छा पढ़ो बढ़िया करियर बनाओ। ओके थैंक यू।